वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ अपने रामलीला ग्राउंड में जो कि हमारे मुरादाबाद शहर में है। आजकल यहाँ पर कोई ना कोई कार्निवाल मेला वगैरह लगता ही रहता है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। इस बार दुबई थीम लगने जा रहा है हमारे शहर मुरादाबाद में, तो आज हम इसी को कवर करेंगे और इसी को आपको दिखाएंगे, इसी के बारे में क्या प्राइस रहेगा, क्या टाइमिंग है, कहाँ से कैसे एंट्री होनी है, सब कुछ इसमें कवर करने वाले आज हम इस ब्लॉग में। चलिए बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों देखो ये है वो बैनर वगैरह सारे जो इधर लगे हुए हैं, जिसको लेके ये अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तैयार हो रहा है मामला भी। सब सामान इनका ऐसे बिखरा हुआ है नीचे, सेटअप लगा रहे हैं ये लोग। और एक पॉइंट भैया आप ये देखेंगे, जैसा कि मुझे पता चला था, अभी बताया था कि ये है एंट्री पॉइंट, ठीक है, ये वो एंट्री पॉइंट रहेगा। लंदन ब्रिज है ये, इसी लंदन ब्रिज से आपको सीधे अपना एंट्री लेते हुए आगे की ओर जाना है, और आगे जाके ये ब्रिज पूरा हो जाता है, वहाँ पर जाके ये उतर जाते हैं, फिर उससे आपको अंदर के लिए एंट्री मिलती है। उससे पहले एक बार देख लो, ये हार्ट शेप में इधर कुछ बना रहे हैं ये लोग, उसकी भी ये तैयारी है। देखो अभी सब अधूरा ही है, सेटअप लग रहा है, मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार बता भी दिया है, दिखा भी दिया है जो सेटअप लग रहा है इसका। ये देखो भैया कुछ इस तरह है पूरा नज़ारे। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं, सामने देख पा रहे हो भैया ये एफिल टावर है जो ये सेटअप है, अभी और नज़दीक से भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों देखो ये वो एंट्री पॉइंट है, अभी इसी के नीचे से मैं आया था और ये वो शॉर्टकट लिया था मैंने, ये एंट्री पॉइंट जो तैयार होने के बाद आएगा ये है वो, कुछ इस तरह। आपको यहाँ से अंदर एंट्री लेनी होगी, उधर से आप चल के आएंगे तो सीधे इधर आते हुए और इसके थ्रू आप सीधे अंदर आ जाएंगे। और अंदर आप देखिए भैया ये सभी जनरेटर वगैरह लगे हुए, काम वगैरह पूरा जारी है, सेटअप किया जा रहा है। ये वो एफिल टावर है, ये देखो भाई क्या कहते हो, आया मज़ा। तो देखो अच्छा भाई ये क्या है इधर, ये बन रहा है। तो आइए भैया, भैया से जानते हैं थोड़ा मेले के बारे में जानकारी लेते हैं। भैया आपका शुभ नाम? यशवंत। यशवंत, तो यशवंत जी ये जो कार्निवाल है कितने दिन चलने वाला है? ये एक महीने चलने वाला है। एक महीने चलने वाला है, तो आप यहाँ के व्यवस्थापक आप सब देखते हैं? हाँ, कैसे? मैं ओनर हूँ यहाँ का। आप यहाँ के ओनर है, ठीक है, तो नहीं चलेगा। एंट्री फीस रहने वाली है कोई? हाँ, एंट्री फीस एंट्री फीस रहने वाली है, लेकिन वो आप अभी रिवील नहीं करना चाहते, ठीक है, बिल्कुल रिवील मत कीजिए उसको। इसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है? दोपहर 3 बजे से रात की 11 बजे तक। दोपहर 3 से रात के 11 बजे तक, थोड़ा आप मेरे को बता पाएंगे ये सब? जैसे मैं देख रहा हूँ ये इधर सेटअप जो लगाए किस चीज का लगा? रेस्टोरेंट बनेगा। अच्छा ये इधर रेस्टोरेंट बनेगा, ये ठीक है। बाकी ये बाहर जाने का रास्ता मैं देख रहा हूँ, एग्जिट गेट है, ये एग्जिट गेट हो गया। एंट्रेंस करेंगे आप लंदन ब्रिज से, एंट्रेंस करेंगे। हाँ, वो एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। आपको दुबई के फीचर्स मिलेंगे सारे, ठीक है, फिर नए नए तरीके के स्टॉल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, उसमें कई तरह के नए नए स्टॉल्स मिलेंगे। उसके बाद में आपको भूत बंगला मिलेगा, हॉन्टेड हाउस, उसके बाद आपको फूड के स्टॉल मिलेंगे नए नए तरीके के, कुल्लड़ पिज्जा मिलेगा, स्वीट कॉर्न मिलेगा, चाट मिलेगी, इस तरीके के नए नए आइटम मिलेंगे, फिर नए नए झूले मिलेंगे आपको, स्ट्रैकिंग कार, रेंजर, सलाम्बो झूला, नाव। ओके अच्छा भैया ये जो एक सवाल मेरा ये भी है, जैसे बच्चे आएंगे पेरेंट्स के साथ में, तो उनका भी कोई टिकट रहने वाला है? खाली 3 साल से बड़े बच्चों का टिकट लगेगा। 3 से बड़े बच्चों का टिकट लगेगा। हाँ। ओके, बाकी खाने पीने की पूरी व्यवस्था होगी? हाँ, होगी, सब अलग अलग, रेस्टोरेंट वगैरह कार्निवाल। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई, देखो ये वो बड़ा झूला हो गया, जैसे कि भैया ने बताया एंट्री पॉइंट बच्चों का 3 साल से बड़े बच्चों का है। इधर ये सब भैया अपना वर्क जारी है, सब देख पा रहे होंगे आप। अभी सब अधूरा है यार, है तो अधूरा, धीरे धीरे सब सेटअप इनका रेडी होगा, जैसे कि मैं बता रहा 1-2 दिन में पूरा तैयार हो जाएगा। रात के 2 बजे तक ये लोग काम कर रहे हैं, इसको लाइटें वगैरह लागे जनरेटर वगैरह के थ्रू। देखो भाई एक भाई अभी भी लगे हुए अपने ये सेटअप तैयार करने में। चलो और देखो भाई ये है वो, देखो अभी इनकम्प्लीट है, तैयार होने के बाद जहाँ तक बहुत अच्छा लगेगा। देखिए भाई ये काम अभी भी जारी है, रातों रात में भी ये सब सेटअप लगाने का पूरा वर्क चालू है इन लोगों का। ये वो सारा मटेरियल जो इनका इधर पड़ा हुआ है। और भैया ये वो एफिल टावर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल हमारे शहर को अंदर देख पा रहे हो, ये हार्ट से ही अपने ये फ्लैग बना हुआ है, इंडियन फ्लैग का इन्होंने कलर दिया हुआ है। पता नहीं इसमें ये लोग क्या सेटअप करने वाले, जो भी है फिलहाल सेटअप पूरा तैयार होने के बाद पता चलेगा इसके अंदर क्या है। बाकी ये सब मटेरियल तो आप देख ही चुके हैं। चलिए भैया बिना किसी देरी के, तो जैसा कि आपने भी देखा मैंने ये तैयारियों का यहाँ का जायजा लिया जो कि ये कार्निवाल लग के तैयार होने वाला है 1-2 दिन में। अगर आप मुरादाबाद से इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द तैयारियां कर लीजिए यहाँ आने की, 1-2 दिन में स्टार्ट हो ही जाएगा। एंट्री फीस है 3 साल से छोटे बच्चों के लिए, कोई एंट्री फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ आने की तैयारी कीजिए और इस कार्निवाल का लुत्फ उठाइए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।